मेरा नाम मंजीत पांडे है। मैं ऐसे बिहार का हो रहने वाला हूँ, नवादा जिला। शुरू से हमारे पिताजी यहीं नई सीमापुरी में रहने वाले ही 44356 में। तो हम लोग पिताजी के मार्फत से यहाँ आए। हम लोग यहाँ अपने सरकारी जो स्कूल है इसमें हमने टेंट वाले में हमने पढ़ाई की, और यहीं साहिबाबाद प्रकाश पाइप मार्केट में मैं जॉब करता हूँ। मैं काफ़ी परेशान था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत चेकअप वगैरह करवाए लेकिन हमें कोई पता इस चीज़ के बारे में नहीं हुआ। बीमारी के वजह से मेरे को काफ़ी दुखी परेशानी थी, ड्यूटी नहीं कर पा रहा था, शरीर में कमजोरी वगैरह, चलना भारी पड़ रहा था सर, कि हम चल नहीं सकते, दूसरे के सहारे से चल पाते थे। सर शरीर से बिल्कुल हो गया था, काले पड़ गए थे शरीर, अपने शरीर से खुद लाचार हो तो मानना पड़ेगा। अब तो डॉक्टर जो कहेंगे उनके ही सुनेंगे। अब जो जैसे कह रहा था यहाँ चले जाओ, इस डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ जाओ, सब जगह दिखाया किए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कम से कम 3 महीने मैं ऐसे जूझा, कभी मतलब कि बुखार छूटता ही नहीं था, खांसी रुकती ही नहीं थी, सब कुछ। लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि बलगम टेस्ट करवा लो, ये करवा लो, कुछ नहीं बताया। दवाई पे दवाई देते, दवाई खाता था, सुबह दवाई खाता था, शाम तक ठीक रहता था, फिर शाम के बाद फिर बुखार आना चालू हो जाता था, खांसी कभी नहीं रुकती थी। दवाई डॉक्टर के पास जाते थे, दवाई देता था, दवाई खाते थे, बुखार ठीक हो जाती थी, शाम को फिर बुखार आ जाता था। सुबह गए फिर जाकर दिखाए, उन्हें टाइफाइड है, टाइफाइड की दवाई है, चलिए 15 दिन दवाई खाओ। 15 दिन खाए, 2-4 दिन ठीक रहा, फिर क्या कहता है दोबारा फिर आना चालू हो जाता बुखार, फिर दवाओ ऐसा करो 20 दिन की दवाई खाओ, आपको टाइफाइड हो रहा है। ऐसी दवाई हम खाते रहे, कुछ असर होते नहीं। ऐसा है सर कि जब हमें जिस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है, कोई डॉक्टर इस चीज़ के बारे में हमें बता नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को तो डॉक्टर है नहीं है जो हमें पता चलेगा कि हमारी ये बीमारी है। हमें तो डॉक्टर ये कहेगा इस चीज़ का दवाई खाओ, उस चीज़ की दवाई खाना चालू करें, वो तो कहेंगे ऐसी दवाई खाओ, उनके खाएंगे। इलाज से बहुत पहले तो मैंने ऐसे ही झेला, जिस हिसाब से मैं आपको बताया हूँ कि क्या कहता है कि मैं चल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं पा रहा था, वो बातें आवाज़ ढंग से नहीं निकल पाती थी। तो मोहल्ले में एक हमारी आंटी है, उन्होंने बताया दीदी के बारे में कि उनसे मिलो, सब चीज़ के बारे में अगर ऐसी कोई जानकारी होगी, दिक्कत परेशानी होगी, तो आपको इस चीज़ की दवाई चलेगी। नहीं तो हमें तो डिस्पेंसरी के बारे में भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ डिस्पेंसरी है, इन चीज़ों की इलाज चलते हैं। तो इनके बारे में मेरे को पता चला कि शांति दीदी से मिलो, पता चला कि सीमापुरी में आते हैं और बताते हैं टीवी के बारे में, फिर इनसे कांटेक्ट हुए। फिर मेरा नाम शांति है, मैं हुमाना में फील्ड ऑफिसर का काम करती हूँ, जो कि मेरा एरिया यहाँ नई सीमापुरी झुग्गियों का है और यहाँ पे सारे कबाड़ा वगैरह बिनते हैं, तो यहाँ पे भी काम चल रहा है। यहाँ पे होमलेस लोग भी हैं, जिसमें कि मुझे मंजीत पांडे नाम से एक माइग्रेंट आदमी मिला था, जो कि यहाँ पे किराए पे रह रहा था और उसे काफ़ी दिन से ऐसी समस्या आ रही थी कि उसे चला नहीं जा रहा, बलगम आ रहा है, उसे बुखार काफ़ी दिन से था। तो मैं यहाँ पे रोज़ काम करने आती थी, तो मुझे एक दिन किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक आदमी यहाँ पे है, उसको इतने दिन से ये दिक्कत हो रही है। तो ये कुदरती उसी दिन ये मुझे भी ढूंढता हुआ आ गया, लोगों के कहने से कि वो मैडम टीवी के ऊपर काम करती हैं, आप उनसे मिल लो। फिर ये दीदी मेरे को क्या कहता है, डिस्पेंसरी लेके गए, वहाँ बलगम टेस्ट वगैरह हॉस्पिटल में करवाए, तब वहाँ जाके मेरे को पता चला कि मुझे टीवी है। थोड़ी घबराहट तो थोड़ी हुई कि पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी लग गई, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में आज तक कभी नाम भी नहीं सुने इनका कि ऐसी बीमारी भी हो लग सकती है। अब जब हमें पता चला थोड़ी घबराहट तो हुई, फिर इन्होंने मेरे परिवार के जितने हम सदस्य हैं सबका क्या कहता है जाँच करवाए, तो वहाँ पर जब जाँच करवाए तो जिसमें मेरी छोटी लड़की है उसको भी टीवी निकला। हम जैसे 3 लड़की है हमारी, तीनों लड़की की हुई, वाइफ की हुई, हमारे हुए, हम साथ में रहते थे, उनके हमारे साथ वाले के सबकी जाँच हुई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। छोटी वाली को क्या कहता दिक्कत आया आया तो उसका इलाज अभी चल रहा है। अगले अभी मेरे 1/4/2024 में मेरा क्या कहता है दवाई बंद हुई है, और अगले महीने मेरी लड़की का भी दवाई बंद हो जाएगा। तो मैं एक दिन ये मुझे यहाँ नहीं मिले, इन्होंने बोला मैं घर पे हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पैरों वैरों में ज़्यादा दर्द है, तो मैं इनके घर ही पहुँच गई जहाँ पे ये किराए पे रहते थे। तब मैंने देखा इनके घर में 3 छोटी छोटी बेटियाँ हैं और एक इनके वाइफ है, और मैंने कहा आप चारों भी एक बार जांच करा लीजिए, जब इनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है तो एक बार आपको टेस्ट कराने में कुछ नहीं जाता। तो उनकी वाइफ बोलने लगी कि भाई बलगम तो किसी को भी नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे NGO के द्वारा एक्सरे भी मुफ्त कराया जा रहा है। तब मैंने इनका एक्सरे कराया, चारों का एक्सरे कराया, जिसमें से इनकी बीच वाली बेटी को TB निकल के आई। फिर मैंने उसका बोला कि ठीक है मैं इसकी भी दवाई शुरू कराऊंगी, और सेम प्रोसीजर था उसका भी, CBNET एग्रे होना था। जब मैं उसको लेके गई हॉस्पिटल तो इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिससे कि इसको GTB हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया।
अब वहाँ पे इसके बहुत सारे टेस्ट हुए और इसको पेट में बहुत दिक्कत आ रही थी। फिर इसका सिटी स्कैन हुआ जिसमें सिटी स्कैन में क्लियर आ गया कि इसको टीबी है। फिर ये 15 दिन बाद इसकी टीबी की दवाई चालू हो गई। मेडिकल में सब कुछ सुविधा, सारा सब कुछ हमें मिला, दवाई टाइम पे मिली, राशन दिए। 2 टेस्ट बाहर से करवाए थे GTB 8 नंबर गेट पे। ये टेस्ट के बाद फिर मेरा दवाई चालू हो गया रेगुलर। जब ये मेरे पास आया तब मैंने इसकी बलगम जांच करवाई। मैंने कहा भैया आप कल सुबह का बलगम निकाल के रखना, मैं आऊँगी आपको लेके जाऊँगी। तो कहने लगे ठीक है। फिर मैं इनको सुबह का बलगम निकलवा के लेके गई और इसका टेस्ट हुआ तो उसमें मैडम का फ़ोन आ गया था मेरे पास शाम को ही कि आपका पेशेंट पॉजिटिव आया है। तो फिर मैंने इसको कॉल करके अगले दिन बुलाया डिस्पेंसरी पे कि आप आओ मैं आपकी दवाई शुरू कराऊंगी। फिर ये आए रेड क्रॉस की डिस्पेंसरी पे। जब ये डिस्पेंसरी पे आए तो सर ने बोला एक इनका CBNET का टेस्ट होना है और फिर उसके बाद एक और टेस्ट होगा LPA का, जिससे कि हमें पता चलेगा इनके शरीर को दवाई सूट करेगी कि नहीं। तो मेरे को उन्होंने बताया तो फिर मैंने इनको बोला कि आपके 2 टेस्ट और होने हैं बलगम के। तो कहने लगे मैडम मैं करवाऊंगा, जब आपने इतना कराया तो मैं ये भी कराऊंगा। फिर मैंने इनका CBNET भी कराया जिसमें उसमें भी पॉजिटिव आए और LPA की जाँच कराई। LPA की जाँच होते ही तुरंत इनका दवाई शुरू हो गया। पहले दवाई लेते थे सुबह का टाइम, हॉस्पिटल आते थे वहाँ पे क्या कहते हैं 2 गोली खिलाते थे, उसके बाद तीसरी गोली 12 से 1 बजे के बीच में हम गोली खाते, 3 गोली का थर हो जाना खाना। तो सुबह 2 गोली खाते थे, उसके 1 गोली बाद लंच के बाद खाते थे, 3 गोली खाते रहे। हाँ जी, मैंने उनको बताया था जैसे आप टीबी की दवाई खाओगे कोई साइड इफ़ेक्ट है जैसे बाथरूम लाल आएगा आपका, बदन में खुजली वगैरह होगी, तो घबराना नहीं, दवाई छोड़ना नहीं, आप डिस्पेंसरी पे आके बताना। ज़्यादा खुजली हो रही है तो वो खुजली की भी दवाई देते हैं और बाथरूम लाल आना तो वो दवाई का होता ही है, तो वो थोड़े दिन में आपके बॉडी में सेट हो जाएगी दवाई, तो वो फिर वो भी चीज़ें ठीक हो जाती है। फिर इसकी दवाई चालू हुई, फिर मैंने उसको भी डेली फॉलोअप दोनों बेटी का किया और इन्होंने कंटिन्यू, कभी इन्होंने गैप नहीं करा कुछ नहीं, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि भैया आप दवाई लेने आओ या आप क्यों नहीं खा रहे हो, नहीं, इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी दवाई खाई, अपनी बेटी को भी खिलाया और आज ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है। और ये आज अपने पैरों पे चल के आते हैं तो बड़ी खुशी होती है देख के, क्योंकि पहले चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल। और अब इनकी बेटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मुझे अभी डिस्पेंसरी पे मैं उसको दवाई दिलाने गई थी तो मिली थी, तो मेरे से बोलने मेरे से आंटी करके बोली, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बच्चा भी ठीक है करके। तो कहने लगे आंटी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अब उसकी भी 15 दिन की ही दवाई बची है। जैसे अब किसी किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब है, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो डॉक्टर साहब ने हमें भी बताया था कि जैसे पानी का मात्रा कम लो, क्योंकि उन्होंने भी बताया था कि उल्टी होने के मतलब कि ज़्यादा अगर पानी दवाई खाते हो, पानी अगर लेते हो तो हो सकता है आपको उल्टी आए, तो इसे पानी का मात्रा कम लो और दवाई उसमें आप खाओ, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो डॉक्टर साहब जैसे बताए उस हिसाब से हमने किए, जैसे जैसे स्टार्टिंग करते गए हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई दवाई खाने में। 1/4/2024 में मेरा दवाई समाप्त हुआ, क्लियर आ गया, बलगम टेस्ट लिए उनमें क्लियर हो गया कि अब कुछ नहीं है और अभी आपके सामने मैं हूँ, ठीक ठाक हूँ, पहले से बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, कोई भेदभाव नहीं, कोई नहीं सर। मैं तो सबको यही, इसलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपने आप की सुरक्षा करें, अपने आप को पे कायम करें, उस चीज़ से बचे, अपने धूल मट्टी है, ये चीज़ नहीं होता कि हमें अगर TB हो रखा है तो हमारे साथ बैठने वाले को TB होगा, नहीं, यह सब चीज़ मैंने नहीं देखा। मैं मेरी बीमारी होने के बाद भी मैंने अपनी कंपनी में काम किया, मेरे को कोई लड़का भेदभाव नहीं किया, हमारे साथ उठ के बैठना, खाना पीना सब कुछ हम साथ में करते रहे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं हुई ना उनको कोई दिक्कत परेशानी हुई। भाई तो लोग की सोच वगैरह है कि इसको बीमारी है तो कल मेरे को हो जाएगा, उसको हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना अभी तक किसी को हुई। हमने तो 6 महीने काट दिए, अभी तक किसी को कोई शिकायत नहीं, 120 लड़कों के बीच में काम करता हूँ, आज तक किसी ये चीज़ नहीं हुआ कि आज इसके वजह से मेरे को ये बीमारी हुई या मेरे को कोई दिक्कत परेशानी हुई, कोई चीज़ नहीं। मालिक तक हमारा सपोर्ट किए सब कुछ से, कोई दिक्कत नहीं, मालिक हमारा परहेज नहीं करते हमसे कि तुम दूर रहो या करो, जिसमें मेरा काम है मार्केटिंग का, मैं बाहर का काम करता हूँ, बैंक जाना है, चेकबुक लाना है, क्या कहता है सैम्पलिंग कहीं पहुँचाना है वगैरह है, सब कुछ बाहर का भी काम करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मालिक ने भी भेदभाव कोई नहीं किया कि इसको बीमारी है तो हम रखेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सबसे बड़ी अपने आप पे कंफर्म करना कि हम हाँ मैं ये चीज़ इससे लड़ सकता हूँ। जब तक आपके अंदर ये खूबी नहीं आएगी, आपको छोटी से छोटी बीमारी में और बीमार पड़ सकते हो। अगर मैं अगर थोड़ा नर्वस हो जाता कि मेरे को ये बीमारी हुई, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो मेरी बीमारी ठीक नहीं होती। मैंने अपने आप में भी संघर्ष किया, दवाई खाते हुए भी मैंने संघर्ष किया, नहीं मैं ठीक हूँ,
मैं अपने आप पे हौसला रखा कि मैं आगे ठीक हो सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब ये इस चीज़ को और हौसला बढ़ी और मैं दवाई खाते रहा और निर्भर हुआ और अपने पे निर्भर करे कि हाँ मैं इससे लड़ूंगा, और आज के डेट में मैं कामयाब हुआ कि मैं टीबी की बीमारी को मैंने हराया। सर देखो, हम तो एक एनजीओ के द्वारा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जब बंदा ठीक हो जाता है ना तो हमें बहुत खुशी होती है। मेरे को ये नहीं लगता कि हम एनजीओ से कर रहे हैं, मतलब एक इंसानियत के नाते भी हमने किसी की मदद करी है और वो उठ के चल रहा है, आज अपनी फैमिली को बना रहा है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे ये नहीं है कि हम, अगर मैं एनजीओ में अभी 6 महीने से, मैं इससे पहले भी डॉट्स पे ही काम कर रही हूँ 2016 से, मैं 16 में हुमाना में ही जुड़ी थी, फिर बीच में मैंने दूसरी जगह काम किया, लेकिन बीच में ऐसे कई बार हुआ जब मैं घर में खाली बैठी थी और मेरे पेशेंट मुझे कॉल करते थे कि मैडम मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो मैं ड्यूटी ना करते हुए भी मैंने उनकी काफ़ी हेल्प करी है, उनकी जाँचें कराई है, उनका सारा टेस्ट करा के दवाई शुरू कराई है। सर जैसे अभी इन्होंने बताया, अभी इन्होंने इतने खुले में बताया कि मुझे टीबी थी, मैंने संघर्ष किया और उसके बाद मैंने टीबी चैंपियन बन गया हूँ मैं आज, और मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छे से देख रहा हूँ। अगर यही प्रेरणा सबके अंदर आएगी तो आज कोई टीबी पेशेंट नहीं रहेगा, सब अपने आप ही जाँच कराने जाएंगे, कोई टीबी को छुपाएंगे। सर मैं तो यही कोशिश करेंगे कि भी हम जहाँ तक हमारे कॉन्टेक्ट में आए और हम उनकी पूरी सारे हम उनकी मदद करें, ताकि कोई भी ऐसा पेशेंट ना रहे जिसको टीबी की शिकायत हो। जहाँ तक हमारे को जो एरिया मिलता है तो हम कोशिश यही करते हैं उस एरिया में से टीबी की बीमारी हटे।